अभी हमने गोभी नहीं पहनी, ओ डाली सॉरी सॉरी। जी तो अस्सलाम वालेकुम, आज हम लोगों ने ना अफ्तारी घर में नहीं बनाई, बन भी रही है वैसे, वो बनेगी, कंप्लीट होगी अफ्तारी के बाद, चाइनीज राइस, ठीक है। लेकिन ये हम आज बाजार से लेके आए चिकन रोल्स, कचूरियाँ और साथ में चिप्स, मिठाई भी रख रही है इस बार। ये किसने खानी साथ ही? वैसे रख रही हूँ। अच्छा, ये मेरी एक ना स्टूडेंट लेके आई थी, वो शादी के बाद पहले तक हम लोग मिलने के लिए आई है, तो साथ में मिठाई के साथ आई है। और मोई साहब देखने भी चावल चुन रहे हैं उसकी वजह ये है कि मैं थोड़ी सी ज्यादा ही बिजी हो गई हूँ। अब आपको पता है लास्ट सीजन के रमजान का लास्ट चल रहा है, और ये तो अभी बहुत सारा काम पेंडिंग है, स्टिचिंग बड़ी सारी रहती है। तो मैं अभी ऊपर से छत से उतर के आई हूँ, और मैंने कहा कि आप लोग नीचे अफ्तारी तैयार करो, तो मेरा अब आज मेरी छुट्टी है, तो मैं तो अपना काम कम्प्लीट करूँगी, तो वो मैं अभी आई हूँ। तो नीचे बच्चे लगे हुए थे साथ में, मर्द हजरात लगे हुए थे आज। हाँ, तो आज अफ्तारी मर्द हजरात बना रहे हैं, तो बस देख लें मजे मजे की चीजें बनेगी। अस्तगफुरुल्लाह, मैं जैसे मजे की बना के नहीं देती, तो नहीं वैसे बात कहा ना कि हमारे पापा भी रंग बिरंगी चीजें डिशेस बनाते रहते हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ कि वो मजे मजे की चीजें बनाएंगे कभी कुछ। लेकिन उनका भी, उन्होंने भी शाम के टाइम अपनी दुकान पे चले जाना। हाँ जी, बस आज का दिन था, आज का दिन है, वो भी मैंने कल को जब सूखी सादी चिप्स बनाऊंगी ना। नहीं फिर तुम नहीं बनाएगा, तुम हमें बेशक चिप्स खिलाओ या कुछ भी खिलाओ। ये बन गए हैं चावल तैं वाले, भी इसको हलाया जाएगा बाद में थोड़ी देर तक। ये चावल ही है ना, और ये बना लिया मटेरियल काली के लिए, इसमें बनाएंगे हम मैक्रोनी स्पैगेटी वगैरह, ठीक है गाइस।